नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो डेल्टा की पीएलसी है उसमें किस प्रकार से प्रोग्राम बनाते हैं। और ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, 3.16 डेल्टा आईपीएस ऑफ 3.16 वर्जन है। तो इसमें थोड़ा सा अलग मॉडिफाई है, इससे पहले मैंने एक ओल्ड मॉडल में बताया था वो अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्वेंस वाइज। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम सीधे हम कंप्यूटर के डिस्प्ले पे दोस्तों, वो मैं आप चलता हूँ यहाँ पे। देखो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना फाइल पे और न्यू पे आपको ओपन कर लेना है। शॉर्ट की है इसको, कंट्रोल प्लस एन है। और यहाँ पे आके इसमें कौन सी आपको पीएलसी लेनी है, यहाँ पे जो भी आपको पीएलसी लेनी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिखना है, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। इतना करके आपको ओके कर देना है। ये सबसे पहला काम है दोस्तों। तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, दूसरा काम आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्राम पे और इस पर राइट क्लिक करना है। इस प्रकार की विंडो ओपन हो गया आपकी। उसके बाद में न्यू पे आपको करना है, फिर यहाँ पे आएगा और इसको आप यहाँ नाम आप दे सकते हैं। तो नाम देके इसको आप ओके कर दीजिए दोस्तों। एक और सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार की डिस्प्ले आपके साथ ओपन हो जाएगी, उसको यहाँ से जूम कर लीजिए। तो देखो ये आ जाएगा आपके सामने। पहले ये डिस्प्ले जैसे आप सीमेंस की कभी पीएलसी आपने देखो कि उसमें नेटवर्क 1 2 3 4 आते थे, अब ये इसी में भी आ रहे हैं डेल्टा वाले। ये लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, नया वर्जन है इसलिए थोड़ा इस प्रकार से आ रहा है। पुराने वर्जन था मेरा, उसमें मैं आपको अलग तरीका का दिखाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, वो सभी आपके ऊपर है। अब इसमें आगे प्रोग्राम कैसे बनाना है, सबसे मेन बात ये है। इसमें दो तरीका आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मैं। दोनों तरीका में जो आपको तरीका अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, वो आप बना सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो एनओएनसी का, क्वाइल का, ये सभी दे रखा है। अगर यहाँ से आपको नहीं करना है तो मैं शॉर्ट की बता देता हूँ दोस्तों आपको, एल डी और स्पेस X0। देखो आपको एक बात और बता देता हूँ, मिक्सीबिशी और डेल्टा दोनों में एक्स से इनपुट होती है, वाई से आउटपुट होती है और एम से मेमोरी बिट होती है उसकी। तो इन तीन चीज का आपको विशेष कर ध्यान रखना है दोस्तों। अब एम एन लगा दिया, फिर आप एन सी लगाना चाहते हैं तो एन सी भी लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। और ये मना सके, यहाँ पे आप कर्सर को लेके आए, LDI स्पेस X1, सॉरी दोस्तों इसमें X1 नहीं लिखा गया है, स्पेस हमारा X1 की नहीं दबी थी इसलिए ऐसा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है, X1 आपको लिख देना है। तो देखो आ गया। अब इसमें आपको आउटपुट लेना है। आउटपुट के लिए शॉर्ट की क्या है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, तो आप यहाँ भी आप ले सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से लेंगे तो देखो यहाँ पे हम आउटपुट लगा देंगे और ये कर्सर आ गया। अब इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, वापस इस पे जाना है। ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप Y0 लिख सकते हैं या MB लिख सकते हैं। फिलहाल मैं Y0 आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया है मेरा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये कर्सर यहाँ पे नहीं हटाएंगे तो 2-3 आपको क्वाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे क्वाइल बनाने के लिए आप कर्सर हटा दीजिए यहाँ से, इस पे कर्सर सेलेक्ट पे क्लिक करके, या फिर आपको शॉर्ट की यूज कीजिए। शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ, इसको एक बार डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट की कैसे लिखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखो मैंने हटा दिया है, OUP स्पेस Y0, ये देख लीजिए। चीज आपको बारीकी से बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको होल्डिंग लगाना है इसके। तो होल्डिंग के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर को लेकर देखो, रेड ये निशान आएगा वहां पे आपको कर्सर रहेगा, और होल्डिंग के लिए आपको लगाना है OR यूज करना आपको। OR स्पेस किसकी होल्डिंग लगानी, Y0 की।
वाई जीरो हमने इंटर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे होल्डिंग लगकर आ गया है। तो ये हमारे एक ड्यूल स्टार्टर नॉर्मल में बनाया है, तो आप ये एनसी पॉइंट इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, दोनों में आपके ऊपर है दोस्तों। इसमें ओएलआर आपको यूज करनी है तो यहाँ पे ओएलआर के इनपुट आप लगा सकते हैं, एमरजेंसी आपको यूज करनी है तो एमरजेंसी लगा सकते हैं, ये सभी आप इनपुट और भी लगा सकते हैं। सिर्फ एल डी लिखना है, आई एल डी, आई से एनसी होगा, एल डी से आपको एनओ बनेगा, तो ये चीज मेन है। तो इस प्रकार से ये आप पूरा प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं। अब इसमें आगे लाइन कैसे लेनी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा पहला नेटवर्क का एक हो गया। अब दूसरा देखो, इसके भी दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आसान देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसके नीचे लाइन लेनी है तो इस कर्सर पे क्लिक कीजिए, अगर इसके ऊपर लेना है तो इस कर्सर पे लीजिए। तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे लेने की, तो इस कर्सर पे आप क्लिक कर दीजिए, देखो नीचे लाइन आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नीचे भी आप लगा सकते हैं। अब आपको ऊपर इसके देखो लाइन के ऊपर आपको लगा के दिखाऊँ, यहाँ पे देखो नेटवर्क टू लिख के आ जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो ऊपर वाले इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर भी आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देखो ऊपर आपको यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो ये दोनों चीज आपको देखना है। फिर आपको हटाना है तो आप इसमें स्पेस बैक कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको दोनों ऑप्शन करके दिखाएं, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं या फिर और भी इसमें तरीका है दोस्तों, उसके साथ डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा तरीका वो आप यूज कर लीजिए। और इसमें भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये सभी आपके ऊपर है। और इसको रनिंग भी करके चला के भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि रनिंग कैसे होगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको रनिंग कैसे होगा उसके बारे में आप पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, तो वो भी देख सकते हैं। अब चलते इसमें आगे, आपको कैसे बनाना है, एमबिट कैसे यूज करनी है, तो देखते हैं हम आगे। इसका एक कोई भी एनओ ले लेते हैं दोस्तों, एलडी लिखते हैं, स्पेस वाई जीरो, और फिर आपको क्या करना है, मेमोरी बिट कैसे यूज करनी है, ओ यू टी लिखना है और एम जीरो लिख देना दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मेमोरी बिट आपको आ जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से आपको यूज करना है। और टाइमर के बारे में जानना है, काउंटर के बारे में जानना है, और भी आपको सिक्वेंस वाइज में पूरे स्टेटस आपको सिक्वेंस वाइज बताना है, इसमें कमेंट कैसे लिखते हैं वो सभी भी आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन आप जब भी आप वीडियो देखें, अंत तक देखें और इसमें सभी पार्ट आप देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे देखो दोस्तों, मैं बेसिकली आपको चला के दिखा देता हूँ ये प्रोग्राम, मैंने ऑनलाइन इसको कर दिया है। यदि आपको ऑनलाइन कैसे करने हैं ये नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पर्टिकुलर से इसका वीडियो बना दूंगा, तो वहां से देख सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों, तो सभी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है। अब इसको देखो चलाते कैसे हैं, वो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से फोर्स भेजिए इसको और यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो देखो ये हमारी बिट ऑन हो गई है और ये भी आप ऑन हो गई है। तो ये चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है इसमें, तो आप ऑन ऑफ दोनों करके चला के देख सकते हैं। अभी मैंने ये बटन हमारा दबा दिया, मैंने इसको हटा दिया, अब यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखो इसको भी ऑफ कर देंगे, प्रोग्राम हमारा ऑफ हो गया है। तो इस प्रकार से इसको आप रनिंग करके चेक करके देख सकते हैं। और ये नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जो ड्यूल स्टार्टर है हमारा, उस प्रकार से मैंने ये प्रोग्राम बनाया दोस्तों। तो ये आप यूज किए और चेक करके देखिए अपने प्रोग्राम में, फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बताइए, तो आगे नेक्स्ट में आपको ऐसा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा मैं किस प्रकार से आप प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टाइमर के बारे में भी आपको अगले पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसमें टाइमर लगाते हैं, काउंटर लगाते हैं और इसका सिमुलेटर कैसे यूज करते हैं, वो सभी आपको सिक्वेंस वाइज पार्ट 1 2 3 4 मैं सिक्वेंस वाइज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये सभी आपको देखना है और ये हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहने, और भी मैंने डेल्टा के बारे में बताए थे तो वो भी आप देख सकते हैं, वो सभी कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये देखो, लोग आपको दिख रही है, ये हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले इसको ऑफ कर देंगे, फिर आपको ये वापस आपको राइट क्लिक करना है, फोर्स पे जाना है और यहाँ से देखो ये आपको कर देंगे हट जाएगा। इसी प्रकार से इसको हटाना, आप सबसे पहले इसको हम ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे ऑन कर देंगे इसको ऑन करके, और वापस से इसको आप ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये हमारी ऑफ पुश बटन है दोस्तों, और यहाँ से आपको रिप्लेस ये हटा सकते हैं, ये हमारा लॉक वाला निशान भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अच्छे बताइए।
आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके नई वीडियो लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।